हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्नोट्स हीट इंजन, राइट? सो व्हाट इज़ अ हीट इंजन? हीट इंजन इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली, मीन्स जो हीट को ट्रांसफ़र करता है वर्क में, दैट इज़ कॉल्ड हीट इंजन, ठीक है? सैडी कार्नोट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सैडी कार्नोट, इन 1824 डिवाइज्ड एन आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन विच इज़ नोन आफ्टर हिज नेम कार्नोट साइकिल, ठीक है? उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? कार्नोट साइकिल। अब इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स दैट ही यूज्ड, सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, राइट? सो क्या क्या पार्ट्स? सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स द मेन पार्ट ऑफ द कार्नोट इंजन हैविंग परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड कंडक्टिंग बेस। इसको शेडो नहीं किया बच्चे, दिस इज कंडक्टिंग बेस, और ये जो शेडो वाले हैं शेड किया जिसमें, दिस इज इंसुलेटिंग वॉल्स, ठीक है? एंड दिस इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इट कैन मूव अप एंड डाउन, क्लियर? देन वी हैव सेकेंड वन इज हीट सोर्स, दिस इज द हॉट बॉडी हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ठीक है? वर्किंग सब्सटेंस मीन्स दिस गेन हीट फ्रॉम द सोर्स एंड बट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स T1, राइट? देन नेक्स्ट वी हैव हीट सिंक। हीट सिंक इज अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, इट ऑल्सो हैव इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी एंड द वर्किंग सब्सटेंस, दिस वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक। सोर्स से क्या लेगा बेटा? हीट। सिंक को क्या कर देगा? रिजेक्ट जो एक्स्ट्रा है, ठीक है? देन इंसुलेटिंग स्टैंड, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ कार्नोट साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज प्लेस, द वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है? इट इज परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। देखो बच्चे, अब इसकी वर्किंग क्या है? द वर्किंग ऑफ द कार्नोट हीट इंजन इज, दिस इंक्लूड्स बेसिकली फोर स्टेप हैं। इन द फर्स्ट स्टेप वी प्लेस दिस वर्किंग सब्सटेंस ऑन द सोर्स, इंसुलेटिंग वॉल्स, बेस क्या है? कंडक्टिंग। इसका बेस भी क्या है? कंडक्टिंग। सो इट गेन हीट फ्रॉम द सोर्स, गेन करेगा हीट को, ठीक है? गेन करेगा मीन्स एक्सपेंशन होएगी, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट विल एक्सपैंड, ठीक है? मीन्स एक्सपेंशन विल टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट स्टेप। एंड इन द सेकेंड स्टेप वी प्लेस द वर्किंग सब्सटेंस ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। यहाँ पे क्या होगी? ये नॉन कंडक्टिंग है बच्चे, होल, इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। सो जो इसने हीट गेन की है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी? इसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि ना तो हीट ये देगा इसको ना ही इससे लेगा, ठीक है? सो एडियाबैटिक, नो हीट एंटर्स और लीव दिस सिस्टम, ओके? देन इन द थर्ड स्टेप वी प्लेस दिस वर्किंग सब्सटेंस ऑन अ सिंक, फिर सिंक के ऊपर प्लेस कर देंगे, राइट? देन जब सिंक के ऊपर प्लेस करेंगे देन इट रिजेक्ट हीट टू इट बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ठीक है? सो नाउ लेट वी स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ दिस। So the working in the step 1, we place the substance on the source, it acquire the temperature of the source T1 and expansion will takes place, that expansion will be isothermal, means it attain the same temperature as that of the source and expansion will takes place from point A to point B. Expansion ho rahi hai, volume increase kar raha hai, pressure decrease karega, theek hai? So work done kiske equal hoega? Q1, क्योंकि हीट गेन की है इसने, इसलिए Q1 इक्वल्स टू W1 PdV, वॉल्यूम V1 टू V2 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? बच्चे ये एक्सप्रेशन हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन किया था ना सॉल्व, RT log ऑफ V2 by V1, ठीक है? वही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं सेम। सो हेयर वी टेक इंस्टेड ऑफ T वी टेक T1, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, एंड दिस वर्क डन इट शुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस कर्व। इसके अंडर एरिया कितना आ रहा है? A B B A A, सो उस एरिया के इक्वल भी होगा, दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन इन द सेकेंड स्टेप वी प्लेस द वर्किंग सब्सटेंस और द सिलेंडर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड,
वहाँ पे क्या होगी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, पी टू वी टू प्रेशर, पी थ्री वी थ्री प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम बी पॉइंट पे या सी पॉइंट पे। जब एडियाबेटिक का वर्क डन किसके इक्वल है बेटा, हमारे पास वी टू वी थ्री पी डी वी, इसका एक्सप्रेशन किसके किसके इक्वल आता है हमारे पास, आर टी वन माइनस टी टू ओवर गैमा माइनस वन। यहाँ पे गैमा क्या है बच्चे, हमारे पास कॉफिशेंट, ठीक है, गैमा क्या है हमारे पास, कॉफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन, राइट। देन उसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, वी प्लेस द सिलेंडर ऑन द सिंक, ठीक है, सिंक के ऊपर प्लेस करेंगे उसको इंसुलेटिंग स्टैंड से रिमूव करके। अब जब सिंक के पर प्लेस करेंगे देन इट रिजेक्ट हीट टू द सिंक, रिजेक्ट करेगा हीट, ठीक है, रिजेक्ट होएगी हीट मीन्स देयर इज अ कंप्रेशन। कंप्रेशन केस कौन सी होएगी, आइसोथर्मल, मीन्स द वर्किंग सब्सटेंस अटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, ठीक है, सिंक का टेम्परेचर अटेन कर लेगा। अब जब कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होएगा और प्रेशर की वैल्यू क्या होएगी, इनक्रीज, ठीक है। सो वर्क डन इस केस में किसके इक्वल आएगा हमारे पास, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है बच्चे, पी डी वी के इक्वल होते हैं ना, यहाँ पे हम ले रहे हैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, टू ओमिट दिस नेगेटिव साइन वी कैन चेंज द लिमिट्स, मीन्स अपर बिकम लोअर एंड लोअर लिमिट बिकम अपर, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं अगर नेगेटिव साइन हमने ओमिट करना है। सो वी चेंज द लिमिट वी फोर वी थ्री पी डी वी, ये एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं वर्क डन। सो हेयर वी यूज आर टी टू, सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। देन इन द फोर्थ स्टेप वी अगेन प्लेस द वर्किंग सब्सटेंस और द सिलेंडर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस रखा है तो सराउंडिंग के साथ उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, मीन्स देयर इज अ एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन होएगी, ठीक है, डी टू ए पॉइंट तक। सो उसका वर्क डन भी क्या हो गया हमारे पास, एडियाबेटिक के लिए सेम रिजल्ट, ठीक है। सो टोटल वर्क डन जो है वर्किंग सब्सटेंस का वो किसके इक्वल होएगा, कि जो स्टेप वन और स्टेप टू है उसमें क्या हो रही है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, क्या होता है बच्चे, वर्क डन बाय द सिस्टम, सो उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेशन मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो टेकन एज अ नेगेटिव, ठीक है। सो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय यूजिंग दीज साइन कन्वेंशंस वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस माइनस ऑफ डब्ल्यू थ्री प्लस माइनस ऑफ डब्ल्यू फोर। देन पुट द वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू वन टू थ्री एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री फोर जो हम ऊपर लिख के आए हैं, ठीक है, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, दिस विल कैंसल आउट, कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री आर टी वन लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन माइनस आर टी टू लॉग ऑफ वी थ्री बाय वी फोर। एंड डब्ल्यू वन किसके इक्वल लिए बेटा हमने, क्यू वन के इक्वल, डब्ल्यू थ्री किसके इक्वल हुए, क्यू टू के इक्वल, क्योंकि उसमें हीट ले रहा है सोर्स से और इसमें थर्ड स्टेप में क्या हो रही है, हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक को। सेकेंड और फोर्थ स्टेप में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हीट का, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन वर्क डन का। अब हमने एफिशिएंसी डिफाइन की थी लास्ट वीडियो में, एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है हमारे पास, इट इज़ वन माइनस क्यू टू ओवर क्यू वन। सो एफिशिएंसी यहाँ पे कैसे आ जाएगी, वन माइनस क्यू टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर टी टू लॉग ऑफ वी थ्री बाय वी फोर ओवर आर टी वन लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन, इक्वेशन नंबर सिक्स, क्लियर। नाउ इफ वी कंसिडर द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन सेम आइसोथर्मल, इफ दे आर ऑन सेम आइसोथर्मल देन वी हैव पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, ठीक है। बी एंड सी आर ऑन सेम एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंडीशन, ठीक है। सो हेयर इज पी टू वी टू रेज टू पावर गैमा, ये होता है बेटा रिजल्ट उसकी इक्वेशन एडियाबेटिक की, इक्वल्स टू पी थ्री वी थ्री रेज टू पावर गैमा। देन सी एंड डी अगेन आर ऑन सेम आइसोथर्मल, सेम आइसोथर्मल पे हैं,
सो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, P3V3 इक्वल्स टू P4V4, ठीक है। देन अगेन डी एंड ए आर ऑन सेम एडियाबेटिक, सो ये क्या आ जाएगा, P4V4 रेज टू पार गैमा इक्वल्स टू P1V1 रेज टू पार गैमा, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस, सो वी हैव P1V1, P2V2 गैमा, P3V3, P4V4 गैमा इक्वल्स टू P2V2, P3V3 रेज टू पार गैमा, P4V4, P1V1 रेज टू पार गैमा। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया बच्चे हमने, ठीक है, राइट साइड वाली टर्म्स को राइट साइड में, ओके। सो इसमें जो P1, P2, P3, P4, P2, P3, P4, P1 ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं उनको हम एक साइड पे इक्वेट कर लेंगे और ऑड नंबर वाले टर्म्स को एक साइड पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, V2 रेज टू पार गैमा, ये V2 की पावर है 1, इसको जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगी, -1। सिमिलरली V4 गैमा -1, और इस साइड पे क्या होएगा, V3 गैमा, इस V3 को लेके जाएंगे -1, V1 गैमा -1। नाउ इफ द पावर्स ऑफ दीज टर्म्स आर सेम देन वी कैन राइट इट एज V2 V4, इट शुड बी इक्वल्स टू V3 V1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, V2 over V1 इक्वल्स टू V3 over V4, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हैं इनकी रेशो जो है वॉल्यूम्स की, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो, सिक्स्थ इक्वेशन में हमारे पास V3 V4 V2 V1, अब रेशो इनके हमने इक्वल प्रूव की है ना, मतलब इनको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। सो यूजिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन सिक्स्थ में यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इट्टा इज इक्वल्स टू 1 - RT2 log ऑफ V2 by V1, मीन्स मैं V3 by V4 की जगह पे क्या पुट कर रही हूँ, V2 by V1 ओवर RT1 log ऑफ V2 by V1, ये तो ऑलरेडी था नीचे, सो ये कैंसिल हो गया, R एंड R भी कैंसिल हो गया, सो इट्टा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 - T2 over T1, सो दिस इज द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नाउ एज वी ड्राइव द एक्सप्रेशन इट्टा इज इक्वल्स टू 1 - Q2 over Q1, अगर हम दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि ये भी एफिशिएंसी है ये भी एफिशिएंसी है, तो क्या आएगा, 1 - T2 over T1 इक्वल्स टू 1 - Q2 over Q1, 1 and 1 कैंसिल, -and - कैंसिल, सो वी हैव T2 over T1 इक्वल्स टू Q2 over Q1, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सेम ही प्रूव होगा कि एफिशिएंसी जो है कारनॉट हिड इंजन की, इट कैन नेवर बी इक्वल्स टू 100%। वाई, एफिशिएंसी शुड बी 100% इफ T2 इक्वल्स टू 0 और T1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो बोथ कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल। सो एफिशिएंसी जो है कभी भी 100% नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस होएगा ही होएगा, ठीक है। थैंक यू।